Hey, what's up people? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका टेक्टिक में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, वो बहुत ही खास प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला और बिकने वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों, वीडियो क्रिएटर एंड यूट्यूबर्स की जान मान और शान, बोया माइक। जी हाँ दोस्तों, बोया माइक। आज मैं इस माइक की डिटेल करने वाला हूं, आज इस माइक की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, आज मैं इस माइक से रिलेटेड छोटे से छोटे डाउट्स का सारा क्लियर करने वाला हूं। सो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए अमेजॉन की तरफ से डब्बा आ चुका है, बहुत ही शानदार पैकेजिंग के साथ। सो जल्दी से अब मैं इसको फटाफट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी है। सो दोस्तों, ये रहा बोया माइक का फाइनली बॉक्स, जिसमें फ्रंट में आपको बोया मॉडल नंबर देख सकते हैं BY-M1, और साइड में आपको दे रखा हुआ है कि आप बोया माइक किस किस में यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर एंड PC ETC। और दोस्तों, आप यहां सामने देख सकते हैं, यहां पे आपको एक बारकोड दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको यहां से स्क्रैच कर सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बोया की वेबसाइट पे जा करके आप वहां पे इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको URL मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बोया माइक ओरिजिनल है और बढ़िया है। और साइड में दोस्तों यहाँ पे लेवियर माइक्रोफोन लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि माइक्रोफोन बहुत ही शॉर्ट, स्मॉल और इजी टू एडजस्टेबल। और आप पीछे साइड बैक साइड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बॉक्स को जल्दी से ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर बोया माइक ने क्या क्या दे रखा हुआ है। फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पे बोया माइक के साथ आपको ये पॉकेट मिला है, ये बोया की ब्रांडिंग के साथ बहुत ही शानदार पैक, और ये प्योर लेदर का बना हुआ है। इसको एक साइड रखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोया स्टिकर्स, वेरी ब्यूटीफुल, एंड अदर मैनुअल गाइड दे रखी हुई है, जिसको आप पढ़ करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिला हुआ है। ओके, सो अब देखते हैं आपको इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सो यहाँ पे आपको बोया माइक, वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड अदर, ओके, यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपन करते हैं। बोया माइक ने आपको यहाँ पे एक फोम दे रखा हुआ है, जिससे आप अपने माइक को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्लिप दे रखी हुई है, जिसको हम ओपन कर लेते हैं। और क्लिप को आप यहाँ पे लगा करके शर्ट या टी शर्ट में
एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बैटरी दी हुई है जो कि बोया माइक में आप एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे बोया माइक ने आपको दो जैक दे रखे हुए हैं, जो कि एक जैक आप स्मार्टफोन पे यूज़ करेंगे और दूसरी आप जैसे बड़े डिवाइसेस जैसे DSLR वगैरह हो गए उस पे आप इसको इस जैक को यूज़ करेंगे। आप इस जैक को सीधा सा इसमें एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इस फोम को आपको यहाँ पहले एडजस्ट करना है, उससे पहले आप क्लिप लगा लीजिए। क्लिप को आपको यहाँ पे इसकी नेक पे एडजस्ट करना है ऐसे, ओके। और इस फोम को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ माइक एंड क्लिप। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप टोटल 6 मीटर वायर आपको लॉन्ग वायर आपको यहाँ पे मिलती है, जिससे आप बहुत ही दूर से भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको एक स्विच देखने को मिलेगा जिसमें दो मोड दे रखे हुए हैं। अगर आपको वीडियो DSLR वगैरह से शूट करनी है तो इसको आप ऊपर प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करनी है वीडियो तो आप इसको नीचे प्रेस कर सकते हैं, जो इस समय स्मार्टफोन पे सेट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे बोया माइक की बैटरी है वो सिर्फ DSLR कैमरास के लिए यूज़ होती है। अगर आप उससे वीडियो बना रहे होंगे DSLR वगैरह से तो उसी में आपकी इस बोया माइक की बैटरी खर्च होगी, और अगर आप स्मार्टफोन से बना रहे हैं तो बोया माइक की जो बैटरी लगी हुई है वो बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगी। बैटरी को सेट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से इसको ओपन करना होगा, और ये धीरे धीरे इजली ओपन हो गया। और दोस्तों अब आपको बैटरी सेट करने के लिए सबसे पहले बैटरी का प्लस माइनस देखना होगा। ये है प्लस इसका और ये है इसका माइनस। सो दोस्तों यहाँ पर भी आपको इंडिकेट दिया हुआ है कि ये प्लस रखना है आपको और उधर साइड सेल का माइनस होना चाहिए, तो इसी हिसाब से हमें इसको देखना है और यहाँ पे सेट करना है। और दोस्तों सेट करने के लिए यहाँ पे हमको एक रिबन दिया हुआ है, रिबन को सबसे पहले ऐसे ऊपर रखना है, देन इसके ऊपर बैटरी को प्लस माइनस देखते हुए इस पे रख करके ऐसे एडजस्ट कर देना है। लॉक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने बोया माइक को पूरी तरह से सेट कर लिया है, पूरी तरह से असेंबल कर लिया है। यहाँ पे हमने क्लिप लगाई, फॉर्म लगाया और बैटरी को भी यहाँ पे सेट किया। दोस्तों हमारा जो बोया माइक है वो ओमनी डायरेक्शनल है, यानी ओमनी डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर हम चारों तरफ में से किसी भी साइड से अगर बोलते हैं तो आवाज़ हमारी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। और वन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि इसमें हमें ऊपर से ही बोलने पर ही हमारी वॉइस इसमें रिकॉर्ड होती है। सो दोस्तों यहाँ पे हमने बोया माइक की अनबॉक्सिंग देखी, अब जल्दी से इस माइक की वॉइस का भी टेस्ट हम लोग करके देखते हैं। सो दोस्तों अभी तक आपको जो आवाज़ सुनने को मिल रही थी वीडियो में वो मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही थी, और अब जो आपको वॉइस सुनने को मिल रही वो मेरे बोया माइक से सुनने को मिल रही होगी। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे बहुत ही क्लियर वॉइस आ रही होगी मेरी, और यहाँ पे अच्छा खासा नॉइस रिड्यूस हो रहा है। दोस्तों अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मुझे एक माइक चाहिए वीडियो बनाने के लिए, सो यू कैन डेफिनेटली बाय अ बोया माइक, बिकॉज दोस्तों ये बहुत ही सस्ता माइक है। 700 से 800 की रेंज में आपको एक बहुत ही अच्छा माइक मिल जाएगा, नॉइस कैंसलेशन मिल जाएगी इसमें आपको। दोस्तों अगर आप सिंगिंग के लिए इस माइक का यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक बेसिक लेवल पे इस माइक का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत ही हाई लेवल पे सिंगिंग करनी है तो उसके लिए आपको और महंगे माइक यूज़ करने होंगे। अगर आप बोया माइक परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस माइक, बिकॉज ये माइक बहुत ही अच्छा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जा करके बोया का ओरिजिनल माइक परचेज कर सकते। सो दोस्तों अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।